वायरस से लड़ाई अभी जारी है, जहां कोरोना से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट होकर काम कर रहा है, तो वहीं गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी पूरी ताकत कोरोना से लड़ने के लिए लगा रखी है। लेकिन इस लड़ाई में दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात ने सेंध लगा दी है। जी हां, गुरुग्राम के पटौदी कस्बे के हेली मंडी से स्वास्थ्य विभाग ने 27 ऐसे लोगों को निकाला है जिनके जमात में शामिल होने की खबर है। वहीं इनमें से 13 लोग व्यस्क हैं, तो बाकी बच्चे शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम के धनकोट गाँव से भी ऐसे लोगों का सैंपल लिया गया है जिनकी जमात में शामिल होने की खबर है। ऐसे में इन सभी 33 लोगों को गुरुग्राम के सेक्टर 10 अस्पताल में क्वारंटाइन वार्ड में रखा गया है। दरअसल राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरका जुलियानी इस्लामिक धार्मिक आयोजन केंद्र में कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। इसका कनेक्शन दिल्ली समेत 11 राज्यों से जुड़ रहा है। इनमें महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और श्रीनगर शामिल हैं। 1 से 15 मार्च के दौरान हुए इस कार्यक्रम में देश और विदेश के 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जिनमें से मरकज बिल्डिंग में मौजूद 24 लोग पॉजिटिव निकले हैं। ऐसे में अब हरियाणा समेत अलग राज्यों में उन लोगों की खोज की जा रही है जो जमात में शामिल हुए थे। ऐसे में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को सूचना मिली थी कि हेली मंडी के एक घर में 27 लोग छिपे हुए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी को घर से निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही सूत्रों के अनुसार कुछ लोग कल देर रात को भी बाहर के क्षेत्र से आए थे और हेली मंडी के इस घर में छुप कर रहे थे। ऐसे में CMO गुरुग्राम JS पुनिया भी माने तो इन सभी को अभी क्वारंटाइन वार्ड में रखा गया है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, PMO साहब ने, बिल्कुल ऐसे हैं कि अभी पहले हमारे पर इन्फॉर्मेशन थी कि 6 लोग ऐसे आ रहे हैं जो हो सकता है कि निजामुद्दीन से आए हों। तो हमारे ज़िले में कहीं पता लगा हमें कि धनकोट विलेज से हैं, तो वहाँ पे हमने टीम भेजी। वहाँ से फिर पता लगा कि वो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं कुछ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हमें, तो अल्टीमेटली हमने उनके यहाँ सैंपल करा दिए गए हैं और उनको यहाँ पे दाखिल कर लिया गया है। सिमिलरली एक पटौदी से भी हमारे पास न्यूज़ आई है और अगर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इनको गुरुग्राम के सेक्टर 10 के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल ये सभी स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहेंगे।